नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों हमारा जो कंप्लीट एक सीक्वेंस चल रहा था यूपीएससी बैच को लेकर के, और जनरली दोस्तों ये जो हमारा सीक्वेंस है ये योद्धा बैच को लेकर के है, और फाइनली इस वीडियोस के माध्यम से हम लोग मिडिवल इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट जो एम्पायर कह सकते हैं वो आपका मुगल एम्पायर, इसके बारे में कई सारे एंगल को समझेंगे, और किस तरह से जो है बाबर हमारे भारत में जो है इन्वेजन किया, और इन्वेजन करने के बिहाइंड में क्या उसका रीजन था, और इसके साथ साथ जब वो इन्वेजन किया भारत में तो कौन उसको हेल्प किया था, और क्या क्या राइट नाउ कंडीशंस था उसके साथ जिसके वजह से उसको इन्वेड करना पड़ा दोस्तों। और आप सभी को पता है दोस्तों कि हिस्ट्री में जनरली क्या होता है कि तीन चार चीजों का ध्यान जो है मतलब के मोस्टली रखा जाता है। फर्स्ट वन क्या है दोस्तों आपका हिस्ट्री में कि आपको टाइमलाइंस जो होता है आपका वो काफी महत्वपूर्ण होता है टाइमलाइंस। इसके साथ साथ थीम्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किस तरह से आप एंशिएंट हिस्ट्री से मेडिवल में पहुंचे, मेडिवल से देन आपका मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके साथ साथ हम लोग इंडिपेंडेंस की तरफ पहुंच गए दोस्तों। और अगर हम बात करेंगे सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन का या इसके रिगार्डिंग और भी जो बड़ी एग्जामिनेशन है वहां पे, तो वहां पर कई सारा कॉजेस फैक्टर्स इम्पैक्ट चैलेंजेस ये सारा कुछ जानना रहता है, ऑब्जेक्टिव एंड एम्स ये सारा कुछ जानना रहता है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भारत में मुगल एम्पायर के स्टार्टिंग का, और इसके साथ साथ क्या टाइमलाइंस था, और बेसिकली आज के इस वीडियोस के माध्यम से बाबर का जो इन्वेजन उस पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर हम बात करेंगे मुगल एम्पायर का तो आप सभी लोगों को पता है कि मुगल एम्पायर का जो स्थापना हुआ था हमारे भारत में वो 1526 में हुआ था, 1526 में हुआ था। 1526 में जो है आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, और उसके बाद से ही क्या हुआ कि हमारे देश में जो है आपका मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ थ्रू बाबर की तरफ से। और ये जो पार्टिकुलर मुगल एम्पायर है, ये मुगल एम्पायर कैसे बनी, ये तो नॉर्मली इन्वेजन की है, और फिर धीरे 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 आगे बढ़ते 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 कई सारा बैटल हुआ, अलग अलग जो भी टेरिटरी है उसको मतलब कि उसको अक्वायर किया गया, फिर एक्सपैंड किया गया, और फिर बाबर के बाद फिर अलग रूलर आया, ऐसे करते करते ये एक बड़ा सा एम्पायर बना दोस्तों, और कई सारा सिग्निफिकेंस अपना छोड़ के चला गया दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 1526 में मुगल एम्पायर का शुरुआत होता है हमारे देश में, और कुछ इस सीक्वेंस वाइज जो है आप कह सकते हैं कि मुगल की जो डायनेस्टी है वो चलती है। बेसिकली मुगल जो आपका टर्म है वो मंगोल से निकला है दोस्तों, मंगोल से, ये आपको याद रखना है, मंगोल से निकला आपका मुगल। और जब हम मंगोल की बात करेंगे तो आपको तैमूर जो है नाम ये याद रखना होगा, तैमूर। ठीक है, तो इस पे भी बात किया जाएगा इसी वीडियोस में, तो इसीलिए वीडियोस को आपको अच्छे से देखना है समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर की बात अगर हम करेंगे तो बाबर की जो शुरुआत है वो 1526 में हुआ मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट से, और लगभग 1530 तक जो है ये चला बाबर का साम्राज्य, और 1530 में जो इनका डेथ हो चुका था दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सेकेंड वेन जो दूसरे थे वो आपके हुमायूं थे। हुमायूं जो है नॉर्मली दोस्तों वो बाबर का बेटा था, जिसका साम्राज्य कह सकते हैं शुरुआत हुआ भारत में 1530 से लेके 1540 में, 1530 से 1540 में, और देन फिर फाइनली दोस्तों क्या हुआ कि 1539 यानी कि 1539 और साथ साथ 1540 में दो इंपॉर्टेंट बैटल होता है, एक होता है बैटल ऑफ कन्नौज और दूसरा होता है बैटल ऑफ चौसा, और इन दोनों ही बैटलों में क्या होता है कि हुमायूं का हार होता है, और 1540 में फिर क्या होता है कि अफगान इंटरेग्नम यानी कि सूरी डायनेस्टी का दोस्तों शुरुआत होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अफगान लिखा हुआ है वो क्यों लिखा हुआ है दोस्तों, बिकॉज जो सूरी डायनेस्टी है वो बिलोंग करती है अफगान से, यानी अफगान डायनेस्टी से बिलोंग करती है, और सूरी डायनेस्टी का जो फाउंडर है दोस्तों वो कौन है आपका, तो शेरशाह सूरी है दोस्तों नॉर्मली। ठीक है, ये रिमेम्बर रखना है। तो दो इंपॉर्टेंट बैटल हुआ, बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ चौसा। ठीक है, इन दोनों बैटलों में हार होने के बाद, हुमायूं का हार होने के बाद सूरी डायनेस्टी का शुरुआत हुआ, और ये जो डायनेस्टी है दोस्तों लगभग 1540 से 1555 तक चला, 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी का जो है दौर था, फिर उसके बाद अलग अलग लोग आए, और शेरशाह सूरी के साथ एक जबरदस्त जो आपका किंग था जिनका नाम था विक्रमादित्य हेमू, जो बहुत ही बेहतरीन किंग थे दोस्तों, और बाद में फिर वही जाकर के 1556 जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है तो वहां पर उनका नाम मिलेगा, तो उसका एक अलग सा कहानी है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दोबारा फिर से शुरुआत हुआ था 1555 में, लेकिन उसके बाद हुमायूं का डेथ हो गया, हुमायूं के जाने के बाद जो उसका बेटा है अकबर का शासन का जो है शुरुआत हुआ 1556 से लेके 1605 तक चला। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरी आपको बिल्ड कर देते हैं दोस्तों हम लोग,
काफी महत्वपूर्ण है वो, कि जब 1556 में बैटल हो रहा था, जब 1556 में जब बैटल हो रहा था, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत रिमेंबर, पहला बैटल तो आपका 1526 में हुआ, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ तो आपका 1556 में हुआ, और ये किसके बीच में हुआ दोस्तों, तो बैरम खान और हेमू के बीच में हुआ। तो अभी मैंने बताया ना आपको कि हेमू का नाम आएगा, अब आप ही बताइए कि हेमू कौन है, तो वही शेरशाह सूरी के साथ जो रहने वाला है विक्रमादित्य हेमू, और बैरम खान जो है ये लड़ता है किसके तरफ से दोस्तों, तो अकबर के तरफ से लड़ता है, और उस वक्त अकबर का जो एज रहता है दोस्तों वो लगभग 13 साल का एज होता है, ठीक है, ये रिमेम्बर रखना है। तो 1556 में फिर से दोबारा क्या हुआ कि मुगल एम्पायर का शुरुआत हुआ, और वहां पर जो ताजपोशी हुआ था वो बैरम खान को हुआ था, और बैरम खान लगभग 3 से 4 सालों तक जो है शासन किए थे, और फिर फाइनली दोस्तों क्या हुआ कि 1560 से लेके 1605 अगर हम कह सकते हैं, तो ये जो पार्टिकुलर पीरियड है 1560 से लेके 1605 तक, तो ये पीरियड नॉर्मली दोस्तों अकबर का था। और जब हम लोग अकबर के बारे में जब पढ़ेंगे या हुमायूं के बारे में सेपरेट पढ़ेंगे, तो अकबर का एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, अकबर का कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर, कल्चरल पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी, देन इसके साथ साथ इकोनॉमिकल पॉलिसी, कई सारा एंगल को हम लोग अलग अलग तौर से देखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अकबर के बाद, तो अकबर के बाद जो उनके बेटे आए थे वो जहांगीर थे, इन्हीं का ओरिजिनल जो नेम है आपका सलीम है, और इनका जो टाइम पीरियड कह सकते हैं वो 1605 से लेके 1628 है। इनके जाने के बाद फिर शुरुआत होगा शाहजहां का, और शाहजहां का जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो 1628 से लेकर के 1658 विच इज कॉल्ड 1658 तक चलेगा ये, और उसके बाद फिर आ जाएंगे औरंगजेब। औरंगजेब का जो टाइम पीरियड आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो बेसिकली दोस्तों मुगल एम्पायर का जो टाइम पीरियड शुरू हुआ है पार्ट वन में वो 1526 से लेकर के 1707 तक, और इसको नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं पता है दोस्तों, इसको नॉर्मली हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग मुगल। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग मुगल, 1526 से लेकर के 1707 तक। और अगर हम बात करेंगे इसके बाद जो मुगल आए उसको हम लोग बोलते हैं वीक मुगल, जिनका टाइम पीरियड का शुरुआत हुआ था 1707 से लेकर के 1857 तक, और 1857 में जो भारत में जो मुगल के लास्ट जो है रूलर कह सकते हैं, तो वो आपका बहादुर शाह जफर जी थे, ये आपको रिमेम्बर रखना है। तो आज का हमारा जो वीडियोस है वो आपके बाबर के ऊपर में है, कि आखिर बाबर के साथ क्या वो इम्पोर्टेंट कंडीशंस था जिसके वजह से वो उसको भारत पे जो है मजबूरी में जो है हमला करना पड़ा, क्या वो कंडीशन मतलब कि एंसेस्ट्रल था कि इससे पहले तैमूर जो है 1398 में जो है हमला किए थे भारत में, तो हालांकि इससे पहले चेंगेज खान भी हमला किया था, तैमूर और चेंगेज खान दोनों ही बाबर का कह सकते हैं कि मैटरनल एंड पैटरनल जो है डायनेस्टी से जो है बिलोंग करता है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हालांकि चेंगेज खान को हम नहीं कह सकते हैं कि भारत में वो हमला किया था, नॉर्मली इल्तुतमिश का समय था तो एक बार ट्राई किया था, लेकिन इल्तुतमिश का जो डिप्लोमेसी है ना वो काफी खतरनाक था दोस्तों। तो लेकिन हाँ, तैमूर क्या है दोस्तों कि 1398 में जब भारत में हमला किया और लगभग 4-5 दिनों तक जब यहाँ पे ठहरा हुआ था, और यहाँ से जब हमला करने के बाद जब वो वापस पहुंचा, तो आपको याद होगा समरकंड नाम का एक जगह है, और बेसिकली समरकंड जो है आपका वो कह सकते हैं कि उज्बेकिस्तान का जो पास का उज्बेकिस्तान में एक छोटा सा शहर समरकंद है, और जो बेसिकली सेंट्रल एशिया का पार्ट है दोस्तों। तो तैमूर जब भारत में हमला किया था 1398 में, तो कई सारा जो है सोना, पैसा, रिसोर्सेस को लूट करके ले गया, और समरकंद को जो है सजाया था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। वो समरकंद जहां से बाबर का ओरिजिनेशन है, इस पॉइंट को आपको रिमेम्बर रखना है दोस्तों। फाइनली तो बाबर को लगा कि मेरे साथ बहुत सारा प्रॉब्लम है, क्योंकि अब थोड़ा सा इस स्टोरी थोड़ा सा बिल्ड करते हैं दोस्तों। बेसिकली क्या है दोस्तों, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबर को, तो बाबर जो है बिलोंग नॉर्मली करता था समरकंद से, ठीक है ना। समरकंद मतलब कि अभी मैंने आपको बताया कि सेंट्रल एशिया का एक पार्ट जो है आपका उज्बेकिस्तान, और वहां पर एक शहर है समरकंद, तो बाबर ओरिजिन वहीं से करता था। लेकिन खास बात क्या है कि उस पार्टिकुलर उज्बेकिस्तान में या समरकंद का जो प्लेस था, वहां पर उज्बेक नाम की जो डायनेस्टी थी वो रूल करती थी नॉर्मली, और बाबर का अपने अंकल के साथ थोड़ा बनता नहीं था। लेकिन मात्र 12 से 13 साल के एज में कह सकते हैं कि बाबर वहां से मूव ऑन करके अफगानिस्तान की तरफ पहुंचा, और अफगानिस्तान का एक इलाका है जिसका नाम है फरगना, वहां पर एज ए राजा, एज ए किंग बन करके था दोस्तों। 12 से 13 साल आप कह सकते हैं दोस्तों। तो काफी इंपॉर्टेंट क्या एक्सपीरियंस था इसके साथ, टेक्निक्स था, और भी बहुत सारी चीजें थी। और उस पार्टिकुलर प्लेस पे कह सकते हैं कि इसके अंकल के साथ नहीं बनता था, ये रिमेम्बर रखिएगा।
तो एक तरफ तो उज्बेक डायनेस्टी काफी खतरनाक है जहां से इसका ओरिजिनेशन है, और दूसरी तरफ जहां का ये राजा बन के बैठा हुआ है वहां पर इसके अंकल से नहीं बन रहा है। तो एक तो ये सिनेरियोस बना भारत पे आने का। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो सिनेरियो बना दोस्तों वो ये बना कि तैमूर जो इसके डायनेस्टी से जो है बिलोंग करते थे, हालांकि मंगोल मैंने बताया मंगोल से तो ये लोग भी हैं, तो 1398 में जब उन्होंने हमला किया तो बाबर को लगा कि हम लोगों को भी करना चाहिए ओवरऑल, लेकिन बाबर के सामने कोई सारा कंडीशंस नहीं मिल रहा था। देन फिर फाइनली क्या हुआ कि आप लोगों ने दहली सल्तनत में एक चीज पढ़ा होगा, आपको याद होगा दोस्तों कि दहली सल्तनत की अगर हम बात करेंगे तो दहली सल्तनत में जो आखिरी सुल्तान लोग थे वो आपका लोधी डायनेस्टी था, और लोधी डायनेस्टी की अगर हम बात करेंगे तो आखिरी जो सुल्तान है वो कौन है, तो इब्राहिम लोधी था, ठीक है। और इसी पार्टिकुलर इब्राहिम लोधी का एक जनरल था जिसका नाम था दौलत खान, ठीक है, दौलत खान। तो ये एंगल थोड़ा समझिएगा कि आखिर बाबर को कैसा मौका मिला, कौन सा इनविटेशन मिला जिसके कारण वर्ष वो 1526 में बैटल ऑफ पानीपत करता है और यहां से मुगल का एंट्री होता है। दोस्तों एक मैंने ऑलरेडी कंडीशन बता दिया उसके अंकल वाला, और उसके साथ साथ उसके एंसेस्टर एंगल यानी कि वो तैमूर वाला एंगल, और उज्बेक का जो मामला वो भी मैंने आपको सजा दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है कि उस वक्त अगर हम बात करें भारत का जो रीजनल कंडीशंस था बाबर के आने से पहले, वो कुछ लगभग जो है तहस नहस था। दोस्तों तहस नहस कैसा था हम बता देते हैं आपको। अगर आप ये भारत का प्यारा सा मैप देख रहे हैं तो एक तरफ तो आपको दहली सल्तनत मिलेगा, ये जो मालवा वाला एरिया है ना, यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी यानी कि खिलजी डायनेस्टी का पूरा रूल्स रेगुलेशन था। अगर थोड़ा सा हम लोग इधर साइड में जाएंगे गुजरात के एरिया में, ये वाला जो गुजरात है यहाँ पर आपको एक किंगडम मिलेगा जिसका नाम है गजापति किंगडम, ठीक है, यहाँ पर एक किंगडम आपको मिलेगा गजापति किंगडम। इसके बाद अगर हम ये साउदर्न एरिया देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा विजयनगर एम्पायर, ठीक है, विजयनगर एम्पायर। और दहली सल्तनत की भी बात करेंगे तो ये बिहार और नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स में उतना फैला हुआ नहीं था नॉर्मली दोस्तों। इसके साथ साथ आपका गुजरात का एरिया हो गया, देन आपका दहली सल्तनत मालवा का एरिया अलग सा जो है कैप्चर किया हुआ है। तो इस तरह का कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस था। तो बाबर को लगा कि भारत में जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो कुछ खास नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग किंगडम जो अपना जो है साम्राज्य को सजाए हुए हैं, कोई उसमें जो है यूनिटी नहीं है, डिवीजन है कंप्लीटली, तो वो बस मौका चाह रहा था। तो एक तो कारण बना पॉलिटिकल कंडीशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि जो लोधी डायनेस्टी था दहली सल्तनत में और उसका जो आखिरी सुल्तान था जिसका नाम था आपका आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी और इस पार्टिकुलर इब्राहिम लोधी का एक जनरल था जिसका नाम था दौलत खान लोधी, रिमेम्बर। और ये जो जनरल है ये लाहौर में, मतलब कि इसको रखा गया था एज ए पोस्ट, जनरल का जो पोस्ट दिया गया था लाहौर में दिया गया था जो प्रेजेंट पाकिस्तान में है दोस्तों, दौलत खान के नाम से। तो यही एक दिन क्या हुआ कि इब्राहिम लोधी और दौलत खान के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, और इब्राहिम लोधी को क्या था दोस्तों कि एटीट्यूड बहुत ज्यादा था, बिकॉज उसके पास बहुत ज्यादा पैसा था, आर्मी इस्टेब्लिश था, उसके पास हाथी था, घोड़ा था और भी बहुत सारी चीजें था, तो उसको घमंड हो चुका था खुद पे। तो इस घमंड के कारण वो अपने जनरल को भी जो है बेइज्जती कर दिया, दौलत खान लोधी को, और इसके साथ साथ इब्राहिम लोधी के साथ कई सारे और भी जो नोबल्स थे तो वो भी जो है इब्राहिम लोधी से चिढ़ते थे और वो लोग चाहते थे कि कोई ना कोई बाहर से आए और हमला करे और इसको हटाए। इस तरह का कुछ लॉजिक, मतलब कि आप समझिएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पर दो पॉइंट देखिए, एक तो इब्राहिम लोधी का जो है एटीट्यूड वाला एंगल, दूसरा एंगल है कि जो दौलत खान जो जनरल है कहाँ पे आपका लाहौर में, तो उसको इंसल्ट किया है, और तीसरा इब्राहिम लोधी का जो अपना आदमी है वो खुद उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये तीन चार एंगल बना। तो दौलत खान लोधी का किया है कि बाबर को बोल दिया है कि भैया आप आ जाइए और हमला उमला जो भी है कीजिए। तो यहीं से जो शुरुआत हुआ वो 1526 का बैटल ऑफ पानीपत का शुरुआत हुआ। तो आइए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और सीक्वेंस देखते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम बात करेंगे मुगल एम्पायर के सिचुएशन का, तो 1530 से 1707 के बीच में लगभग आप देख सकते हैं, ये तो एरिया पहले वाला था दिल्ली सल्तनत का, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कंप्लीट एरिया है ये वाला दिस वन ये आपका एक्सटेंट ऑफ मुगल इन 1530 यानी 1530 में यहाँ तक आ गया था। इसके बाद 1530 के बाद अगर हम बात करेंगे तो फिर 1605 तक जहां जहां पर आप देख रहे हैं तो मुगल लगभग लगभग हर तरफ आपका फैल चुका था दोस्तों फाइनली, ठीक है। और बाबर के दरमियान में आप यहां पर आपका पॉइंट आपको देख सकते हैं मैप में।
अब हम बात करेंगे कि वाई बाबर डिसाइडेड टू केम टू इंडिया। तो मैंने कई सारे रीजन बताया, मल्टीपल फैक्टर्स मैंने बताया, अब इसको सिंपल से ले लेते हैं। पहला तो रीजन आपका हिस्टोरिकल रीजन है, मतलब कि आपका कह सकते हैं लिगेसी और तैमूर और चंगेज खान वाला। आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि 1398 में जो है तैमूर जब हमारे भारत में हमला किया था, तो ये कंडीशन मैंने ऑलरेडी बताया। और चंगेज खान एक बार ट्राई किया था इल्तुतमिश के समय में, लेकिन इल्तुतमिश का डिप्लोमेसी अच्छा था तो वो प्रॉपर हमला नहीं कर पाया था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपका फाइनेंशियल कंडीशन है। देखिए दोस्तों, बाबर जिस एरिया से बिलोंग कर रहा है तो वहां पर तो एक तो प्रॉब्लम है बहुत बड़ा कि बाबर जिस एरिया से बिलोंग कर रहा है तो वहां तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि फैमिली इशू है, अपने अंकल से जो इशू है। लेकिन बाद में फिर क्या है कि वो फरगना को फतह किया है दोस्तों, और फतह करने के बाद वहां पर अपना साम्राज्य बनाया है फाइनली, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे अफगानिस्तान का काबुल का, तो वहां पर क्या, वहां पर तो ज्यादा गांजा पियो दम मारो, तो वो उतना ज्यादा फाइनेंशियली जो है कैपेबल नहीं था कह सकते हैं नॉर्मली। और इसके साथ साथ उसके सामने एक अपॉर्चुनिटीज भी था, तो ये एक फाइनेंशियल कंडीशन है। लिगेसी में मैंने ऑलरेडी बताया कि जब भारत पे सभी कोई हमला कर रहे थे, क्यों ना हम भी करें, जैसे तैमूर ने किया नॉर्मली। इसके साथ साथ जियोपॉलिटिक्स की बात करेंगे तो अफगानिस्तान को अगर हम देखेंगे, फरगना का एरिया को अगर हम देखेंगे, तो क्या वो एक लैंडलॉक कंट्री है, तो रिसोर्सेज की कमी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपका गांजा है, तो गांजा फूक करके कितना आदमी कमा पाएगा नॉर्मली, आप सोच सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन बना। बाद में फिर इनविटेशन मिला किसके तरफ से, तो दौलत खान के तरफ से। तो वो दौलत खान जो कौन है, तो आपका इब्राहिम लोदी का जनरल है, कहां पे, लाहौर में, रिमेंबर रखिएगा बात को। इसके बाद अब शुरुआत करते हैं हम लोग बाबर और बाबर का जो दरबार में लोग है वहां से, और यहां से फिर बैटल होता है 1526 का, विच इज कॉल्ड फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अप्रैल का मंथ था और 1526 में बैटल होता है, किसके बीच में, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होता है। तो मैंने सारा एंगल सजाया दोस्तों आपके साथ। अब देखिए क्या है कि बाबर के पास जो आर्मी है वो बहुत ही कम है, बहुत ही लेस है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस है और टेक्निक्स है दोस्तों। और इधर हम बात करेंगे इब्राहिम लोधी के पास, इब्राहिम लोधी के पास आर्मी भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, हाथी भी बहुत है, घोड़ा भी बहुत है दोस्तों, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है और एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। और इब्राहिम लोधी के खुद जो अपने लोग हैं, खुद जो नॉबल्स हैं, खुद जो अपने लोग हैं, वो उसका साथ नहीं है दोस्तों। ये दोनों एंगल इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा मैटर करता है। और बाबर की बात करेंगे तो एक्सपीरियंस में तो इससे कोई सख ही नहीं पाएगा। आपको मैंने पहले बताया 12 से 13 साल की एज में ये राजा बना है आपका फरगना का नॉर्मली, तो एक्सपीरियंस तो सक नहीं पाइएगा। और एक तरफ क्या है, एक तरफ है एटीट्यूड इब्राहिम लोधी के पास। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी को डिफीट होता है दोस्तों फाइनली, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हम लोग समझते हैं कि अप्रैल 1526 में जब बैटल होता है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, तो जीत होता है बाबर का और हार होता है इब्राहिम लोधी का, और यहां से फिर जो है मुगल एम्पायर का शुरुआत होता है। लेकिन थोड़ा सा इसका हम लोग एक सीक्वेंस जान लेते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि वाई बाबर वन द बैटल एट पानीपत, आखिर क्यों बाबर जो है जीता पानीपत का बैटल। इसका कई सारा रीजन है। पहला रीजन मैंने बताया ऑलरेडी, एक्सपीरियंस विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ बाबर ने इस पार्टिकुलर बैटल ऑफ पानीपत में पहला बहुत सारा टेक्निक का इस्तेमाल किया है दोस्तों, बहुत सारा टेक्निक का इस्तेमाल किया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक था तुलुगमा टेक्निक, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बाबर ने जो है इस्तेमाल किया है, ठीक है। बाबर देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बाबर यूज ऑफ आर्टिलरी बाय बाबर तुलुगमा, जो एक रूमी टेक्निक था। और बेसिकली ये तुलुगमा टेक्निक क्या है कि अपने आर्मी को कुछ इस तरह से स्टैंड करना अपने एनिमी के सामने, अपने दुश्मन के सामने, मान लीजिए ये दुश्मन है और इस तरह से स्टैंड करना, तो मान लीजिए अगर ये दुश्मन ऐसे करके बढ़ता है बीच से, तो इधर वाला जो एंगल है, इधर वाला एंगल इसको ऐसे घेरेगा, अगर मान लीजिए कि इधर से बढ़ता है तो इधर से एंगल घेरेगा। तो ये होता है तुलुगमा टेक्निक, जो एक रूमी टेक्निक है दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट जो रीजन था जीतने का कि बाबर ऑलरेडी क्या है, मिलिट्री जनरल है, किंग है, तो काफी एक्सपीरियंस है इसके साथ साथ, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों बाबर के पहले पानीपत के बैटल में जीतने का, कि बाबर ने जो घोड़ा का इस्तेमाल किया था, तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि हम लोग घोड़ा के ऊपर जो चढ़ते हैं ना, आयरन का यूज करके ऐसे पैर रख के जो ऊपर चढ़ते हैं,
तो घोड़ा को फास्ट दौड़ाने के लिए उस पार्टिकुलर आयरन का यूज किया गया और साथ साथ घोड़े के पांव के नीचे जो निकल होता है यू शेप में, उसको लगाया गया कि घोड़ा तेज दौड़े और आवाज करे दोस्तों फाइनली। तो ये एक इंपॉर्टेंट एंगल बना। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाबर ने दो टर्की से गनर को हायर किया था जो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट था, ठीक है। तो ये भी एक एंगल बहुत बड़ा बना था दोस्तों। और कहीं ना कहीं अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करेंगे तो वहां पर हाथी बहुत ज्यादा फेमस था दोस्तों, लेकिन मिडिवल इंडिया में जैसे पहुंचेंगे तो वहां पर घोड़ा बहुत ज्यादा फेमस हो गया। और आपको पोरस और अलेक्जेंडर का जो कहानी है वो आपको पता ही होगा दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम इब्राहिम लोधी की बात करेंगे तो इसके पास ह्यूज रिसोर्सेस था, लेकिन इसके खुद ही के जो लोग हैं, अपने ही लोग जो वो साथ इसका नहीं दिए इसके एटीट्यूड के कारण में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इब्राहिम लोधी के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था जितना एक्सपीरियंस बाबर के पास था दोस्तों, ये याद रखिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट कारण है कि बाबर ने पहली मर्तबा 1526 के बैटल में मोबाइल कैनन का जो है आपका इस्तेमाल किया था दोस्तों, ये आपको रिमेम्बर रखना, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है दोस्तों। इसके साथ साथ इब्राहिम लोधी के वीकनेस का कारण जो है इब्राहिम लोधी का इंटरनल डिस्टरबेंसेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर, कुछ इंपॉर्टेंट रीजन बना बाबर का पहला बैटल ऑफ पानीपत में जीतने का, और जहां से फिर जो है 1526 में मुगल एम्पायर का जो है शुरुआत होता है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे ही मान लीजिए कि मुगल एम्पायर का स्थापना होता है 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद, तो बाबर जो है फिर अपना साम्राज्य स्टैब्लिश करने के बाद खुद को जो है शहंशाह हिंदुस्तान बोल देता है। तो शहंशाह हिंदुस्तान जैसे ही बोलता है ना दोस्त, तो कई सारे लोग क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई बांग्लादेश से आके भारत में बोलेगा कि हम प्रेसिडेंट बन गए, तो क्या आप एक्सेप्ट कीजिएगा? तो वही काम यहाँ पर भी हुआ। तो बाबर ने कहा कि हम यहाँ शहंशाह हिंदुस्तान हो गए, तो ये मतलब के कारण बना नॉर्मली दोस्तों। तो बाबर को कई सारा फेस करना पड़ा प्रॉब्लम को 1526 में एस्टैब्लिशमेंट करने के बाद भी। एक तो फेस करना पड़ा कि कई सारा रिवॉल्ट्स था, बाबर के साथ जो खुद के नॉबल्स थे वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स बना था दोस्तों जो उसके फॉलोअर्स थे। इसके बाद एक राजपूत का एंगल था विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फिर फाइनली क्या हुआ दोस्तों कि 1527 में फिर एक बैटल होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ खानवा 1527 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें राणा संगा जी थे, इनका हार हुआ था और बाबर का यहाँ पर जीत हुआ था। हालांकि बाबर को उनके साथी लोग बोल लेते कैसे जीतेंगे, आपके सबके खिलाफ हैं, लेकिन बाबर ने जो है अपने आप को ठाना, रिलीजियस एंगल बनाया, खुद को गाजी का टाइटल दिया, बोला नहीं हम कुछ कर सकते हैं। तो जहां पर दोस्तों रिलीजियस एंगल बनता है ना, तो वहां पर एक मूड अलग सा बन जाता है, जोश और जुनून जो अलग सा हो जाता है। तो बैटल ऑफ खानवा 1527 होने के बाद फिर फाइनली दोस्तों नेक्स्ट होता है आपका बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में। ये जो बैटल होता है 1528 में वो आपका मालवा रीजन में होता है, जहां पर मेदिनी राय और वर्सेस बाबर होता है, लेकिन मेदिनी राय का यहाँ पर हार होता है। अच्छा, ये मेदिनी राय का सपोर्ट कौन करते हैं मालूम है? राणा संगा करते हैं। कौन राणा संगा? जो बैटल ऑफ खानवा में हारते हैं दोस्तों, ये आपको रिमेम्बर रखना है। इसके साथ साथ तीसरा जो इंपॉर्टेंट बैटल होता है वो आपका बैटल ऑफ घाघरा जो 1529 में होता है। तो फिर फाइनली लगातार ये तीन बैटल जो हुआ, बैटल ऑफ खानवा, चंदेरी और घग्गर, यानी कि केसीजी के शॉर्ट फॉर्म में रिमेम्बर रखिएगा, इन तीनों बैटलों में बाबर को जो जीत होता है। और इस तरह से बाबर क्या है कि हमारे भारत में अपना साम्राज्य कायम करता है, लोगों को जो इकट्ठा करता है। हालांकि उसके खुद के नोबल्स, खुद के साथी उसको धोखा देते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है दोस्तों फाइनली। और फिर बाबर का अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे भारत में अपना एस्टैब्लिशमेंट करने के बाद, तो कई सारा इसका सिग्निफिकेंस भी है। जैसे कि बाबर ने जो है चारबाग आर्किटेक्चर जो है शुरुआत किया। चारबाग आपको पता है कि स्क्वायर टाइप का एक बाग और बीच में एक फव्वारा रहता है। इसके बाद बाबर का किताब है बाबरनामा के नाम से, तुजके बाबरी के नाम से, तो ये एक एंगल है दोस्तों। इसके बाद ये जो है बाबर ये सुन्नी मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स से बिलोंग नॉर्मली करता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंगल है जो आपको समझना है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि बाबर के जाने के बाद अब उसके सामने ये चुनौती था, बाबर के जाने के बाद चुनौती ये था कि अब अगला जो है कौन रूलर बने। तो देखिए, बाबर का बेटा हुमायूं है, 1529 तक तो बैटल हुआ और बाबर का जिंदगी पूरा संघर्ष में था, 27, 28 और 29 और उससे पहले संघर्ष, अंकल से प्रॉब्लम, ये सब समझते हैं ये बात को। तो 1530 में खुद का इंटरनल हेल्थ, फैमिली इश्यूज को लेकर के प्रॉब्लम होने के कारण वर्ष 1530 में बाबर का जो है डेथ होता है। और फिर 1530 से
जो है शुरुआत होता है दोस्तों किसका, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 1530 से जो है शुरुआत होता है किसका, तो हुमायूं का शुरुआत होता है दोस्तों। तो यहां तक इस तरह का आक्रमण था बाबर का हमारे भारत में 1526 में एस्टैब्लिशमेंट का। कई सारा टेक्निक इस्तेमाल हुआ जिसमें तुलुगमा अरबा अलग अलग टेक्निक्स था और अलग अलग जो भी है इंपॉर्टेंट चीजें भी थी जो मैंने आपको साझा किया दोस्तों। और क्या क्या कंडीशन बना, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो भी मैंने आपके साथ साझा किया दोस्तों, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस एंगल को आपको समझना है। अब लास्ट जाते जाते एक एंगल और है दोस्तों कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विक्ट्री, बाबर के विक्ट्री के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या बना। तो एक तो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस बना कि भारत और अफगानिस्तान का जो रिलेशन है वहां से बॉन्डिंग स्ट्रांग हुआ। इसके बाद आर्किटेक्चर का जो है सिग्निफिकेंस एक बना, और कहीं ना कहीं यहाँ से जो है बाबर का जो है शुरुआत होने के बाद, मुगल एम्पायर का स्थापना होने के बाद, ये एम्पायर 1857 तक चला दोस्तों। आई होप कि ये जो इंपॉर्टेंट एंगल है एंड पॉइंट है आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। हमारे साथ आप बने हुए और जुड़े हुए हैं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच, प्यार फैलाते रहे।